नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है कि भारत झूठ बोल रहा है। कोरोना से कितने लोग मरे हैं इसके सही आंकड़े भारत नहीं बता रहा है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना की वजह से कितनी मौतें हुई हैं इस पर WHO एक रिपोर्ट छापना चाहता है, लेकिन WHO के मुताबिक भारत मौतों के सही आंकड़े नहीं बता रहा है। WHO अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोरोना की शुरुआत से लेकर 2021 के अंत तक टोटल 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है पूरी दुनिया में, जिसमें से 40 लाख के आसपास मौतें भारत में हुई हैं। लेकिन मोदी सरकार इस आंकड़े को मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रही है WHO के ये आंकड़े गलत हैं। भारत में सिर्फ 5 लाख लोगों की ही मौत हुई है कोरोना से। और इसी बीच मोदी जी के गृह प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक डेटा मिला है जो सरकार के इस दावे पर बड़े सवाल खड़े करता है। वहां गवर्नमेंट कोरोना से मौत का सरकारी आंकड़ा बता रही थी 10,942, लेकिन कोविड से हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग के लिए फॉर्म भरे गए 87,000। सोचिए, मौतें हुई 87,000 के आसपास और सरकार बता रही है 10,000, 8 गुने का अंतर है। और मुआवजे के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है ये डेटा भी नहीं दे रही थी, मगर वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता पंकज भट्ट ने कानूनी लड़ाई लड़कर ये डेटा हासिल किया है। और ये सरकार कह रही है कि WHO वाले उसका सरकारी डेटा माने। दोस्तों, कोरोना से हम सब ने, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सब ने किसी अपने को, पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को खोया है। और कितना दुखद वक्त था कोरोना का, मगर उस बुरे वक्त में भी ये लोग नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। कोरोना फैलने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। कोरोना का इलाज गौमूत्र बताया गया। रामदेव की कोरोनिल बूटी खिलाई गई। 125 करोड़ की आबादी वाली जनसंख्या से थाली पिटवाई गई, दिए जलवाए गए। 10,000 करोड़ मिला पीएम केयर्स का पैसा, दबा लिया गया। पीएम केयर्स का पैसा कितना आया, कहां गया, आज तक ठीक ठाक किसी को नहीं पता है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड ना तो RTI के दायरे में आता है और ना ही CAG इसका ऑडिट कर सकता है। वो सरकार कह रही है कि उस पर भरोसा करें। कोरोना के दौरान 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने कहा था कि उसने डेटा ही नहीं जुटाया। कैसे भरोसा करें जब बिना वैक्सीन लिए ही लोगों के फोन्स पर मैसेजेस, टीका लगवाने के मैसेज आ जा रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से सरकार ने कह दिया था कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई हमारे देश में, जबकि 200 से ज्यादा मौतें तो मीडिया रिपोर्ट से ही आपको मिल जाएंगी। इसी अप्रैल के महीने में पिछले साल गंगा में लाशें तैर रही थी, मगर BJP सरकार के मंत्री कहते हैं कि गंगा में कितनी लाशों को कफन नसीब नहीं हुआ इसका डेटा सरकार के पास नहीं है। उस सरकार पर कैसे कोई भरोसा करे जिसके मंत्री भरी संसद में ये कह देते हैं कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन से एक भी बच्चा महरूम नहीं रहा, जबकि हमारे देश के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन स्टडीज लायक इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। स्मार्टफोन्स की कमी है, पावर कट की समस्या है। दरअसल सरकार को लगता है कि वो गोबर भी देगी तो उसके कार्यकर्ता उसे केक समझकर खा लेंगे। कोरोना से BJP के नेताओं की भी मौत हुई, BJP कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई, उन्होंने भी अपनों को खोया। और सोचिए कि सरकार ने उन्हें गिनती लायक भी नहीं समझा। मगर झूठ बहुत दिन तक नहीं छिपता है। सरकार की इन लापरवाहियों का नतीजा ये होगा कि भारत की दुनिया भर में विश्वसनीयता घटेगी, बदनामी होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।